नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। देश में एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर के चलते कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आना शुरू हो गए हैं। वहीं इन आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। लोगों की नासमझी के चलते कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। अंबाला में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने बताया कि पहले शहरों में कोरोना के मामले देखने को मिल रहे थे, पर अब कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आज एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और वैक्सीनेशन का काम पूरे जोरों से चल रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग पहले भी लोगों से अपील कर चुका है कि कोरोना को हल्के में ना लें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें, लेकिन लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। सरकार भी कोरोना को लेकर गंभीर नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए होली का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी है। आज कोरोना के दूसरी वेव में सबसे ज्यादा मामले 140 नए कोरोना संक्रमण के केस मिले हैं और 140 केस के साथ जो डिस्चार्ज हुए हैं वो 47 केस डिस्चार्ज हुए हैं, यानी कोरोना मुक्त हुए हैं, और एक डेथ हुई है। जो आज मामले सामने आए हैं उनमें से 49 मामले हैं अंबाला सिटी से हैं और 28 मामले जो अंबाला सिटी का पैरियर बने दिया है वहाँ से हैं। 15 मामले अंबाला कैंट से हैं, नारायणगढ़ से 6 हैं, शहजादपुर का जो ग्रामीण एरिया है सारा का सारा वहाँ से 23 मामले हैं, बराड़ा के ग्रामीण एरिया से 17 हैं और 8 मुलाना से हैं। टोटल 140 केस हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि कोरोना का जो दंश था अभी पहले सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित था, अब अंबाला सिटी में तो तेजी से फैल रहा है। उसके साथ साथ चाहे बराड़ा हो, शहजादपुर हो, मुलाना हो, इन सारे के सारे ग्रामीण इलाकों में केस मिल रहे हैं और ये गांव में पैर पसारता जा रहा है। और ये सिर्फ हमारी समाज के जो सभ्य लोग हैं उनकी नासमझी के कारण मैं कहूँगा। अभी आप देखिए, ना कोई मास्क का यूज कर रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, जो फैमिली गेट टुगेदर है वो उसी तरह हो रही हैं। दूसरा है अभी जो सीजनल चेंज आ रही हैं, टेम्परेचर राइज होगा, जो ही टेम्परेचर राइज होगा उसके साथ साथ जो वायरस की जो वायबिलिटी है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी। यानी एक बार कमरे में अगर वायरस फैल गया तो वो ज़्यादा देर तक कमरे में को पॉजिटिव बना के रखेगा, तो उसमें संक्रमण भी बढ़ेगा। और आपको आप देख रहे हो भाई, जो ही पंखे चले हैं, अगर एक कमरे में एक बंदा पॉजिटिव है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।